आएंगे 250 की सुसाइड मिस्ट्री क्या है, लेकिन उससे पहले आपको सीधा उस कार्यक्रम में लिए चलते हैं जहां पर लेबर रिफॉर्म की कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मौजूद हैं। कर्मचारी भविष्य निधि में पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्राप्त होने पर बधाई। अब बिना किसी मध्यस्थता के आप अपने खाते का सीधा संचालन कर सकेंगे। Congratulations on getting portability facility for EPF account. Now you can operate your account without any intermediation. EPF subscribers के लिए नए युग का आरंभ। Universal account number, employees की नई पहचान। श्रम सुविधा पोर्टल, लेबर इंस्पेक्शन स्कीम, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, भारत की प्रगति के नए पड़ाव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। धन्यवाद माननीय। जागृत राष्ट्र अब स्किल्ड इंडिया के लक्ष्य को पाना चाहता है। अब वक्त आ गया है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण को सामाजिक सम्मान और स्वीकृति मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा सादर निवेदन है कि कृपया नेशनल ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के संकलन का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें, साथ ही अखिल भारतीय कौशल प्रतियोगिताओं की स्मारिका का भी विमोचन करें। माननीय Congratulations on your choice to pursue vocational training. Come, let us realize our mission, Make in India. Best wishes for a successful career. व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के निर्णय पर आपको बधाई। आइए हम भारत में निर्माण के अपने मिशन को साकार करें। सफल करियर के लिए शुभकामनाएं। आपको बता दें कि देश भर के 4.2 लाख ITI स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए उनके पास SMS पहुंच चुका है। धन्यवाद माननीय। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे ITI ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने लोगों की तमाम धारणाओं को झुठलाते हुए देश विदेश में नाम और प्रसिद्धि पाई है, उद्योगों में ITI का नाम रोशन किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह करते हैं कि कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर्स को सम्मानित करके पूरे राष्ट्र के ट्रेनीज का उत्साह वर्धन करें। माननीय इसके लिए कृपया मंच के सामने आने की कृपा करें। हम माननीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय राज्य मंत्री श्री विष्णुदेव साय और सचिव श्रीमती गौरी कुमार से भी निवेदन करते हैं कि कृपया वे भी इस कार्य में सम्मिलित हों। इन राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर्स को मिल रहा है सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह। श्री ए गोपाल कृष्णन, तमिलनाडु के एक निर्धन परिवार के गोपाल कृष्णन ने ITI से टर्नर व्यवसाय करने के उपरांत कोयम्बटूर में अप्रेंटिस के रूप में कार्य किया था। आज आप 43 करोड़ रुपए के वार्षिक टर्नओवर वाले 3 कारखानों के न सिर्फ मालिक हैं बल्कि 200 लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। श्री के कनगराज, गरीब परिवार के कनगराज ने ITI से डीजल मैकेनिक व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1982 में अप्रेंटिस कार्यक्रम के उपरांत आपने ONGC लिमिटेड में सहायक तकनीशियन के रूप में कार्य किया। आप 1,40,000 रुपए वेतन प्राप्त कर रहे हैं। राधिका देवी, राधिका देवी ने महिला ITI गुवाहाटी में प्रवेश लिया। अपने कौशल ज्ञान के कारण आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में आशुलिपिक के रूप में नौकरी मिली।
दो पदोन्नतियां भी मिली। आपका वर्तमान मासिक पारिश्रमिक लगभग 80,000 रुपए है। कौशल को तराशने की साधना एक निरंतर निखरते जाने वाली यात्रा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया कौशल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत करें। सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार श्री रघुनाथ जी पश्चिम बंगाल, आपने आजीविका के सुअवसरों को देखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त किया और अखिल भारतीय दक्षता प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार का पुरस्कार जीता। आपको प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र और 50,000 रुपए मिलते हैं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षु श्री रंगा आर बेंगलुरु, मशीनों में रुचि के कारण इन्होंने मशीनिस्ट व्यवसाय का चुनाव किया। अखिल भारतीय शिक्षु प्रतियोगिता में इनको सर्वश्रेष्ठ शिक्षु चयनित किया गया है। इन्हें मिलता है प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र और 50,000 रुपए। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया है पश्चिम बंगाल ने। ये पुरस्कार उस राज्य को दिया जाता है जिसके पात्र प्रतियोगियों के प्राप्तांकों का योग्य अधिकतम होता है। श्री सुशील कुमार प्रमाणिक निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्हें मिलती है एक शील्ड। सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठान का पुरस्कार मिल रहा है बॉश इंडिया बेंगलुरु को। मे आई रिक्वेस्ट मिस्टर फ्रांस हॉबर, द एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी बॉश इंडिया, टू प्लीज कम अप ऑनटू द स्टेज एंड रिसीव द अवार्ड। ये पुरस्कार उस प्रतिष्ठान को दिया जाता है जिसके शिक्षु सभी व्यवसायों के सम्मिलित अंकों के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। हमारी अनुनय है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उद्योगों को अप्रेंटिस रखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कृपया 3 अप्रेंटिस को स्वीकृति पत्र प्रदान करें। सुश्री रवीना दिलीप भालेराव मुंबई महाराष्ट्र, इनको मैसेस माइलस्टोन पीएलएम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल व्यवसाय में अप्रेंटिस नियुक्त किया गया है। इन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। जनाब इमरान नाजिम अख्तर रायगढ़ महाराष्ट्र, इनको मैसर्स मेस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक व्यवसाय में अप्रेंटिस नियुक्त किया गया है। श्री दीपांकर देवनाथ अगरतला त्रिपुरा, इनको नियुक्त किया गया है मैसर्स श्री रामकृष्ण इंजीनियर्स वर्क्स के द्वारा मैकेनिकल मोटर व्हीकल व्यवसाय में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब होगा सबका विकास, भारत का विकास। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रगति का प्रतीक है। अब भारत की विजय विकास यात्रा बिना रुके, बिना थमे, बिना थके चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति ही भारतवासियों के लिए उत्साह और उमंग का कारण बन जाती है। माननीय, आपके सारे इनिशिएटिव्स राष्ट्र में एक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, चाहे उद्योग हो, श्रम हो या ग्राम, अर्थव्यवस्था हो या स्वच्छता, मेक इन इंडिया हो या स्किल्ड इंडिया। दुनिया के सामने भारत का ये उद्घोष अब हो चुका है कि इंडिया हैज अराइव्ड। माननीय, इस राष्ट्रीय गर्व के लिए देशवासियों का हार्दिक धन्यवाद। हम आपसे अनुनय करते हैं माननीय कि कृपया हमें संबोधित करें, हम सबको राह दिखाएं। मंत्रिपरिषद के साथी और इस विभाग के मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्री कलराज मिश्र जी, श्री अनंत गीते जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री विष्णुदेव साई जी, सचिव श्रीमती गौरी कुमार, राज्यों से आए हुए सभी मंत्री महोदय, उपस्थित सभी महानुभाव,
श्रम एव जयते, हम सत्यमेव जयते से परिचित हैं। जितनी ताकत सत्यमेव जयते की है उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रम एव जयते की है। और इसलिए श्रम की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, दुर्भाग्य से हमारे देश में व्हाइट कॉलर जॉब उसका बड़ा गौरव माना गया। कोई कोट पैंट टाई पहना हुआ व्यक्ति घर में दरवाजे पर आकर के अगर बेल बजाता है पूछने के लिए फलाने भाई है क्या, तो हम दरवाजा खोलकर आइए आइए बैठिए बैठिए, क्या काम था। लेकिन एक फटे कपड़े वाला गरीब इंसान घंटी बजाए और पूछता है फलाने है क्या, इस समय आने का समय है क्या, दोपहर को घंटी बजाते हो क्या, अभी जाओ बाद में आना। हमारा देखने का तरीका, सामान्य व्यक्ति की तरफ देखने का तरीका, क्योंकि हमने श्रम को प्रतिष्ठित नहीं माना है कुछ न कुछ कारणों से, हमें उसके नीचे दर्जे का माना है। एक मनोवैज्ञानिक रूप से राष्ट्र को इस बात के लिए गंभीरता से सोचना भी होता है और स्थितियों को संभालने के लिए सुधारने के लिए अविरत प्रयास करना भी आवश्यक होता है। उन्हीं प्रयासों की कड़ी में यह एक प्रयास है श्रमेव जयते। श्रम योगी, हमारा श्रमिक ये श्रम योगी है। हमारी कितनी समस्याओं का समाधान, हमारी कितनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति एक श्रम योगी के द्वारा होती है। और इसलिए जब तक हम उसकी तरफ देखने का अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते, उसके प्रति हमारा भाव नहीं बदलते, समाज में हम उसको प्रतिष्ठा नहीं दे सकते हैं। और इसलिए शासन की व्यवस्थाओं में जिस प्रकार से समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता है, कालबाह्य चीजों से मुक्ति की आवश्यकता होती है, नित्य नूतन प्राण के साथ प्रगति की राह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से समाज जीवन में भी श्रम की प्रतिष्ठा, श्रमिक की प्रतिष्ठा, श्रमयोगी का गौरव, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी भी है और व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता भी है। यह उस दिशा में एक प्रयास है। हम जानते हैं एक बेरोजगार ग्रेजुएट हो या एक बेरोजगार पोस्ट ग्रेजुएट हो तो ज्यादा से ज्यादा हम इस भाव से देखते हैं, अच्छा बेचारे को नौकरी नहीं मिली, बेचारे को काम नहीं मिल रहा है, लेकिन गर्व करता है नहीं ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट है, काफी अच्छा पढ़ता था। लेकिन कोई आईटीआई वाला मिले, नहीं यार वो आईटीआई बता देता है, चलो यार वो तुम आईटीआई वालों चलो। यानी हमारी टेक्निकल एजुकेशन की सबसे एक प्रकार का शिशु मंदिर है, सबसे छोटी इकाई है, लेकिन आईटीआई बता देता है, चलो यार वो तुम आईटीआई वालों चलो। यानी हमारी टेक्निकल एजुकेशन की सबसे एक प्रकार का शिशु मंदिर है, सबसे छोटी इकाई है, लेकिन हमने पता नहीं क्यों उसके प्रति इतना हीन भाव पैदा किया। जो बच्चा आईटीआई में पढ़ता है वो भी कभी रेल में बस में कोई मिल जाता है तो अपना परिचय नहीं देता है कहां पढ़ता है, उसको संकोच होता है, आईटीआई वो बोलना बुरा मानता है, उसको लगता है आज हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है। और मैं इन सबको बधाई देता हूं जो आज हमारे इस क्षेत्र के एम्बेसडर बने हैं।
भी क्षेत्र में हम एम्बेसडर के लिए किसी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति को ला सकते थे, कोई नट नटी को ला सकते थे, किसी नेता को रख सकते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जो स्वयं निर्धन अवस्था में बड़े हुए, आईटीआई से ज्यादा जिसको शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उसी आईटीआई की शिक्षा के बलबूते पर आज वो इतनी ऊंचाइयों को पार गए कि खुद भी हजारों लोगों को रोजगार देने लग गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आईटीआई में प्रशिक्षण पाया, लेकिन उसी बदौलत अपनी जिंदगी को बना दिया। हर आईटीआई पढ़ने वाला, हर श्रमिक, भले आज उसकी जिंदगी की शुरुआत किसी न किसी सामाजिक आर्थिक कारणों से बहुत ही सामान्य अवस्था से हुई हो, लेकिन उसका भी हौसला बुलंद होना चाहिए कि भाई ठीक है, ये कोई एंड ऑफ द जर्नी नहीं है, इट्स अ बिगिनिंग। देखिए कितने लोग हैं बहुत आगे निकले हैं। जब तक हमारे एक सामान्य से सामान्य नागरिक के अंदर भीतर विश्वास पैदा नहीं होता है, वो अपने आप को कोसता रहता है, तो उसकी जिंदगी खुद पर ही बोझ बनती है, परिवार के लिए बोझ बनती है, देश के लिए भी बोझ बनती है। लेकिन उसके पास जो कुछ भी उपलब्ध है उसमें भी गौरव के साथ अगर जीता है तो वो औरों को भी प्रेरणा देता है। और इसलिए एक युवा पीढ़ी में विश्वास और भरोसा पैदा करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्रिएट करने के लिए एक ऐसे प्रयास को हमने प्रारंभ किया है। और बाहर का कोई व्यक्ति उपदेश देगा तो उसको ठीक है साहब, अब आप तो बहुत बड़े बन गए और मेरा हौसला बुलंद कर रहे हो, लेकिन उसी में से कोई बड़ा होता है तब जाकर अच्छा भाई वो भी बना था, वो भी कि मैं आईटीआई में टर्नर था और वो भी लाखों लोगों को रोजगार देता है, ठीक है मैं भी कोशिश करूंगा। आखिरकार यही सबसे बड़ी ताकत होती है, और उस ताकत को जगाने के लिए ये एम्बेसडर्स, मैं तो चाहूंगा कि ऐसे सफल लोग हर राज्य में होंगे, हर राज्य में ऐसे सफल लोगों की गाथाओं की किताब निकले, पोर्टल पे उनके जीवन रखा जाए कि भी कभी आईटीआई पढ़े थे लेकिन आज जीवन में इतने सफल हुए हैं। तो इस क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोग हैं हमारे गरीब, उनका विश्वास पैदा होगा, और हर बार ऐसे लोगों को सम्मानित करना, उनको कोई तालुका का ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है, कोई जिले का ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है, कोई राज्य का ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है, कोई राष्ट्र का ब्रांड, धीरे 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 इस परंपरा को विकसित करना है, मुझे नीचे तक उसको परकोलेट करना है, उसका एकदम से हॉरिजॉन्टल इसको काफी स्प्रेड करना है। मैं चाहूंगा सब राज्य से हमारे मंत्री महोदय आए हैं, वो उस दिशा में उनकी प्रतिष्ठा के लिए कुछ न कुछ करेंगे। उसी प्रकार से आईटीआई एक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो प्राणहीन हो, कभी कभार कागजी लिखा पट्टी में जो विफल रहते हैं उनका एक ऐसा सॉफ्टवेयर परमात्मा ने उसको दिया होता है कि मैकेनिकल वर्क में, टेक्निकल वर्क में वो बहुत इनोवेटिव होते हैं। हमारी आईटीआईज में ऐसे जो होनहार लोग हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। अगर दो घंटे बाद में उसको आईटीआई में बैठ करके मशीन पे काम करना है तो उसको अवसर मिलना चाहिए। यहां कुछ लोगों को इसके लिए अवार्ड दिया गया कि अपना टेम्परामेंट होने के कारण इस व्यवस्था का उपयोग करते हुए उन्होंने कोई न कोई नई चीज इनोवेशन के लिए कोशिश की, कुछ उन्होंने नया प्रयास किया, एक डिसिप्लिन में गया लेकिन मल्टीपल डिसिप्लिन को ग्रास्प करने की उसके अंदर ताकत थी। ये जो किताबी दुनिया से बाहर इंसान की अपनी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, हमारी आईटीआई जिसको पहचान है, उस दिशा में एक प्रयास करने का इसमें प्रयास हुआ है और उस प्रयास का लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से जब हम पढ़ते हैं 27,000 करोड़ रुपया ऐसे ही पड़ा है, तब ज्यादा से ज्यादा दो चार दिन अखबार में आ जाता है सरकार सोई पड़ी है, नेता क्या कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उसका 27,000 करोड़ का कोई उपाय नहीं निकलता है। पड़ा है क्या, क्या करें साहब, कोई लेने वाला नहीं आता है। मैं हैरान हूं हमारे देश में मोबाइल फोन, आप स्टेट बदलो वो नंबर चल जाता है, आप दूसरे देश चले जाओ नंबर बदल जाता है,
सर्विस प्रोवाइडर इस राज्य में है, दूसरे राज्य में नया सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो प्रोवाइडर आपका कनेक्टिविटी दे देता है। मोबाइल फोन वाले के लिए सब सुविधाएं हो सकती हैं। एक गरीब इंसान नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी पर जाए, उसको वो लिंक क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसी सवाल ने मुझे झकझोरा और उसी में से रास्ता निकला है कि अगर उसके साथ एक परमानेंट नंबर लग जाएगा, वो कहीं पर भी जाए अकाउंट उसके साथ चलता चला जाएगा, फिर उसका पैसा कभी कहीं नहीं जाएगा। इस प्रयत्न के कारण ये 27,000 करोड़ रुपए जो पड़े ना, जिन किसी न किसी गरीब के पसीने के पैसे हैं, वो सरकार की मालिकी के पैसे नहीं है। मुझे उन गरीबों को पैसा वापस देना है और इसलिए मैंने खोज शुरू की इस आईकार्ड नंबर से। वैसे कोई सरकार 27,000 करोड़ की स्कीम लगा दे तो हो सालों भर चलता है, वाह कैसी योजना लाए कैसी योजना लाए, लेकिन योजना का कौन क्या हुआ कोई पूछता नहीं है। ये ऐसा काम है जो दुनिया कहते हैं मोदी का क्या विजन है, उनको दिखेगा नहीं इसमें, क्योंकि वो विजन देखते देखते उनके चश्मे के नंबर आ गए हैं, इसलिए उनको नहीं दिखाई देगा। लेकिन इससे बड़ा कोई विजन नहीं हो सकता है कि 27,000 करोड़ रुपया गरीब का पड़ा है, गरीब की जेब में वापिस जाए। इसके लिए कहीं तो शुरू करें। हो सकता है कुछ लोग नहीं होंगे जिनका रहे नहीं होंगे, एक सही दिशा में प्रयास है, उसमें बैंकिंग को जोड़ा है, इंडस्ट्रियल हाउसेस को जोड़ा है और उस व्यक्ति को भी इसका मिल रहा है। और देखा होगा आपने योजना दिया जला करके लॉन्च नहीं की गई है, योजना किसी किताब का फोल्डर खोल करके नहीं की गई, एक्चुअली योजना में उन सबको SMS चला गया है लाखों लोगों को और योजना लागू हो गई है, यानी पूरी मेहनत पहले पूरी कर दी गई है, बाद में उसको लाया गया है। वर्क कल्चर कैसे बदला जाता है इसका नमूना है, वरना क्या होता आज हम लॉन्च करते फिर 4-6 महीने के बाद रिव्यू करते, 1-8 साल के बाद हम आते, अब हो गया है तो योजना वहीं की भी रह जाती, पहले पूरा करो उसके बाद लोगों के पास ले जाओ। ये प्रयास किया है, मैं इसके लिए मंत्रालय को और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एडवांस में उन्होंने काम किया है। उसी प्रकार से हमारे देश का एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जो सरकार में बैठे हैं, हम मानते हैं हमारे साथ ज्यादा कोई जानता ही नहीं है, हमसे ज्यादा समझ किसी को नहीं है, हमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है, हमसे ज्यादा देश की परवाह किसी को नहीं है। ये गलत सोच है। 125 करोड़ देशवासियों पर हम भरोसा करें। सरकार आशंकाओं से नहीं चलती है, सरकार प्रारंभ भरोसे से करती है। और इसलिए आपने देखा होगा अंग्रेजों के जमाने से एक व्यवस्था चलती थी कि आपको कोई सर्टिफिकेट को जेरॉक्स करके कहीं भेजना है तो गैजेटेड ऑफिस का साइन लेना पड़ता था। हमने कहा है मुझे समझ नहीं आती है कि तुम तो बेईमान हो, गैजेटेड ऑफिसर ईमानदार है, ये किसने तय किया, ये किसने तय किया? और इसलिए मैंने कहा तुम खुद ही लिख के दे दो हमारा सर्टिफिकेट सही है और दे दो और वो मान्य हो जाएगा। ये सेल्फ सर्टिफिकेशन ये वो बड़े विजन में नहीं आया होगा, क्योंकि 60 साल में वो विजन किसी को दिखाई नहीं दिया है। लेकिन घटना भले छोटी हो लेकिन उस इंसान को विश्वास पैदा होता है, हां ये देश मेरे पे भरोसा करता है, मेरा सर्टिफिकेट है और मैं कह रहा हूं मेरा है तो मानो ना। जब नौकरी देते हो तब ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे रखे ना। और इसके कारण ये जो बेचारों नौजवानों को रोजगार लिया कुछ लेना है तो अपना कॉपी सर्टिफाई कराने के लिए इतना दौड़ना पड़ता था, हमने निकाल दिया। इसमें भी हमने उद्योगकारों को कहा है, जो एम्प्लॉयर है वो बड़े बड़े उद्योगकार नहीं, छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे उद्योग है, किसी के यहां 3 एम्प्लॉई है, 5 है 7 है 11 है 18 है, ऐसे लोग हैं और 500 प्रकार के डिपार्टमेंट उसका गला पकड़ते हैं, 500 प्रकार के उसको फॉर्म भरने पड़ते हैं। दुनिया बदल चुकी है, आखिरकार
मैंने मंत्रालय को कहा, मंत्री भाई ये सब बदलना है, मैंने तो इतना ही कहा है बदलना था, लेकिन क्या बदलना है। मंत्रालय ने मेहनत की, अफसरों ने लगातार काम किया और आज 16 बताया आपने, 16 में से 16 अलग अलग प्रकार के फॉर्म हो रहे, एक एक फॉर्म शायद 4-4, 5-5 पेजेज का होगा, उन सबको हटा करके अब एक बना दिया गया और वो भी ऑनलाइन। और अब किसी को और को जरूरत होगी तो उस नंबर पे जांच करेगा तो सब वहां उपलब्ध होगा, अब वो बार बार उसको पूछने नहीं जाएगा क्या करोगे तुम। ये जो सुविधाएं हैं और यही तो मैक्सिमम गवर्नेंस है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब क्या है, यही है कि अब उनकी सारी झंझटें खत्म हो गई और उन्होंने कह दिया ये है हमारा, हो जाएगा। एक बड़ी समस्या रहती है इंस्पेक्टर राज, ये ऐसा शब्द है जो मैं तो छोटा था तब से सुनते आया हूं, तब तो मुझे लगता है शायद पुलिस वालों के लिए कहते हैं, क्योंकि मुझे तब तो मुझे मालूम है, मैंने इंस्पेक्टर है ना, हम पुलिस समझते थे, धीरे धीरे बड़े होने लगे समझने लगे पता चला सा ये दुनिया तो बहुत बड़ी है भाई, हर गली मोहल्ले में है, क्या इसका कोई समाधान हो सकता है। और इसी में से टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हम लाए, और मैं मानता हूं ई गवर्नेंस इजी गवर्नेंस है, इफेक्टिव गवर्नेंस है, इकोनॉमिकल गवर्नेंस भी है, एट द सेम टाइम ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी के लिए भी कुल मिलाकर के एक विश्वास पैदा करता है। अब कंप्यूटर ड्रॉ तय करेगा कि कल तुम्हें इंस्पेक्शन कहां करना है, और कंप्यूटर में ड्रॉ होगा तो पता होगा इतने बजे ड्रॉ हुआ, इंस्पेक्शन कितने बजे किया, वो वहां से एसएमएस जाएगा, पता चलेगा कि महाशय कब पहुंचे, और 72 आवर्स में वो अपना जो भी रिपोर्ट करना है उनको ऑनलाइन कर देना पड़ेगा। और इसके कारण मैं नहीं मानता हूं कि जो हैरेसमेंट वाला मामला है वो भी रहेगा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलती खूब करते हैं, चोरी बहुत करते हैं और फिर गाली इंस्पेक्टर को देते हैं, देखो आकर के मुझे परेशान करते, तो दोनों तरफ से गड़बड़ होती है, ये दोनों तरफ की गड़बड़ का निराकरण है इसमें, और स्वाभाविक है इसके कारण एक वाइड स्प्रेड एक्टिविटी होगी। मुझे अभी भी कोई समझ नहीं, मैं कभी सोचता हूं हम कार खरीदते हैं, हमारी कार का ब्रेक ठीक है कि नहीं है, एक्सीलेटर ठीक है कि नहीं है, गियर बराबर काम करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सरकारी कोई अफसर आकर के इंस्पेक्ट करता है क्या, हम ही करते हैं ना, क्योंकि हमें मालूम है भाई मुझे जीना मरना है तो मैं गाड़ी मेरी ठीक रखूंगा। ऐसे फैक्ट्री वाले को मालूम है भाई मेरा बॉयलर मैं ऐसे थोड़ा रखूंगा जिसके कारण मैं मर जाऊं, तो हम उसमें भरोसा करें भाई तुम अपना बॉयलर का सर्टिफिकेट लेकर के सरकार में जमा करा दो, तुम्हारा बॉयलर ठीक है तुम आगे बता दो बस। मैं तो हैरान हूं, कभी किसी जमाने में एक बड़े शहर में एक या दो लिफ्ट हुआ करती थी, बड़े शहरों में जिस जमाने में लिफ्ट शुरू हुई, अब सरकार ने लिफ्ट के इंस्पेक्शन सरकार म्यूनिसिपैलिटी ने अपने पास रखा, अब हर जगह पर लिफ्ट होने लगी, अब इंस्पेक्टर एक है और लिफ्ट का परीक्षण उसको करना पड़ता है, वो कहां से करेगा। जो सोसाइटी वालों को बोलो भाई तुम 6 महीने में एक बार चेक कराओ, हमको चिट्ठी लिख दो कौन किसने चेक किया और तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेटर भेज दीजिए, क्योंकि वो भी तो नहीं चाहता ना लिफ्ट में मरना। हम उसको जितना जोड़ेंगे, उसका जितना भरोसा करेंगे, हमारी व्यवस्थाएं कम होती जाएगी और लोग अपने आप रिस्पॉन्सिबल बनते जाते हैं। उस दिशा में काम करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास ये सुविधा पोर्टल के माध्यम से किया गया है, इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन की नई टेक्नोलॉजी एडेड व्यवस्था की गई है, और उसके कारण मुझे विश्वास है कि हम जो ईज ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, आखिरकार मेक इन इंडिया को सफल करना है तो ईज ऑफ बिजनेस इस सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। ई बिजनेस की बात कर रहे हैं, आखिरकार मेक इन इंडिया को सफल करना है तो ईज ऑफ बिजनेस इस सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। ईज ऑफ बिजनेस प्रमुखतया शासन की जिम्मेवारी होती है, उसकी कानूनी व्यवस्थाएं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी स्पीड, ये सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई है, और इसलिए ईज ऑफ बिजनेस
मेक इन इंडिया की प्रायोरिटी है। उसी प्रकार से हम उद्योगकारों के कहने पर और सब उनके आग्रह पर या उनकी सुविधा के लिए लेबर के लिए सोचते रहेंगे तो कभी लेबर को हम न्याय नहीं दे पाएंगे। हमने लेबर समस्या को लेबर के नजर से ही देखना है, श्रमिक की आंखों से ही श्रमिक समस्या देखनी चाहिए। उद्योगकार की आंखों से श्रमिक की समस्या नहीं देख सकते हैं और इसलिए श्रमिक की आंखों से श्रमिक की समस्या देख करके उसके जीवन में सुविधाएं कैसे बढ़े, वो अपने हकों की रक्षा कैसे कर पाए, जो चीजें उसको अब देखिए परंपरागत रूप से हमारे यहां कुछ लोगों को बहुत काम आता है लेकिन वो किसी व्यवस्था से नहीं निकला है इसलिए उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों ना हम जो अपनी मर्जी से अपने तरीके से कुछ सीखा है, मान लीजिए किसी ने किसी के यहां प्यून के नाते काम करता है लेकिन प्यून का काम करते करते उसको ड्राइविंग सीख लिया, आ गई ड्राइविंग में, लेकिन चूंकि बेकायदे के पास ड्राइविंग के लिए सर्टिफाइड व्यवस्था नहीं है, कहां सीखा क्या नहीं है, प्रॉपर लाइसेंस लेने की दिक्कत है, इसलिए कोई उसको ड्राइवर रखता नहीं, पूछते हैं यार पहले कहीं ड्राइवरी की थी यार, वो मिलता नहीं। क्यों ना हम इस प्रकार के लोगों के लिए कोई व्यवस्था खड़ी करें कि जो अपनी ताकत से अपने रूप से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, परंपरा से किया है, उसके वैल्यूएशन के लिए काम किए, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि वो फिर एक अथॉरिटी ग्रुप में जाएगा, हाँ भाई मैं कंस्ट्रक्शन में इन चार कामों को मास्टरी है मेरी, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने यहां यहां काम है और जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी ने मुझे दिया हुआ है, तो उसको तुरंत वरना वो क्या होगा अनस्किल्ड लेबर में बेचारा जिंदगी काटता रहता है, जबकि है स्किल्ड लेबर वो, उसके पास किताबी ज्ञान से ज्यादा स्किल है। ये जो अनस्किल्ड में से स्किल्ड में लाना, ये जो ब्रिज है वो इंसान खुद नहीं निकाल सकता, उसके लिए सरकार ने एक लंबी सोच के साथ चिंता करनी पड़ेगी, उस चिंता को पूरा करने का हमारा प्रयास इन प्रयासों के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए अब मुझे बताइए हमारे देश के नौजवान को रोजगार चाहिए, उद्योगकारों को लोग चाहिए, हम चाहते हैं कि नौजवान बेचारा जो फ्रेश निकला है उसको कहीं ना कहीं तो एक्सपोजर मिलना चाहिए, प्रैक्टिस मिलनी चाहिए, वो उद्योगकार उसको घुसने नहीं देता है, क्यों भाई वो लेबर इंस्पेक्टर आ जाएगा, तुम बाहर रहोगे, तुम आओगे तो मेरे किताब में ऐसा भर जाएगा मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं उसमें से बाहर ही नहीं निकलूंगा, वो सरकारी डर से आने नहीं देता, करता है तो कभी बेईमानी से करता है। क्यों ना उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करें ताकि हमारे अप्रेंटिस जो हमारे नौजवानों को अवसर मिले, एक बार अवसर मिलेगा तो जो क्वालिटी मैन पावर है वो अपने आप ऊपर आएगा, उसको अच्छा स्कोप मिल जाएगा और देश की जो रिक्वायरमेंट उस रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और इसीलिए जैसा मंत्री जी ने बताया पार्लियामेंट में इस बात को किया, जो 4 लाख अप्रेंटिस आप 93 लाख बच्चा, अब आप बताइए कितने नौजवानों को ऐसे छोटे 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 हर्डल्स है, उनको भी अगर संबोधन अब कर दिया जाए तो हम किस प्रकार से गति दे सकते हैं ये हम अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए सरकार ही देश चलाए उस मिजाज से हमें बाहर आना है, देश के सब मिलकर के देश को चलाए उस दिशा में हमें जाना है और इसी के लिए सब सबकी भागीदारी के साथ सबको साथ जोड़ करके काम करने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पूरे विश्व को 2020 तक करोड़ों करोड़ों लोगों की जरूरत है, दुनिया के वर्कफोर्स को प्रोवाइड करने का सामर्थ्य हमारे पास नौजवान है, लेकिन अगर वो स्किल्ड मैन पावर नहीं होगा तो जगत में उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। और इसलिए हमें एक तो वो तैयार करना है जनरेशन को, नई जनरेशन को, कुछ जो जॉब क्रिएटर हो, और दूसरी वो जनरेशन हो जो जॉब क्रिएटर नहीं बन सकती है लेकिन कम से कम लोग उसको जॉब के लिए ढूंढते आ जाए, इतनी कैपेसिटी वाला वो नौजवान तैयार हो, और उन बातों को लेकर के अगर हम चलते हैं और इस प्रकार का स्किल्ड वर्कफोर्स जो पूरे विश्व की रिक्वायरमेंट है आने वाले दिनों में, हम उसी को आज से ही तैयारी करते हैं तो हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। मैंने देखा है, मैं कई आईटीआई के ऐसे स्टूडेंट जानता हूं जिनको विदेशों में खास करके गल्फ कंट्रीज में
एक एक दो दो लाख रुपए के पैकेज के साथ काम मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाती हैं उनको, क्योंकि इस प्रकार के वर्कफोर्स की बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। हम इन बातों पर ध्यान देंगे और हमारी कोशिश यह है कि हमने उस दिशा में प्रयास शुरू किया है और आज एक साथ, वैसे ये एक एक योजना ऐसी है कि हर महीने एक एक लॉन्च करते तो भी बहुत बड़ा काम दिखता, लेकिन मुझे 5 साल में काफी काम करने हैं, इसलिए मैं एक एक दिन में 5-5 काम निपटा रहा हूं। जिनको आज पुरस्कार मिला है उनको मैं अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप स्वयं में या आईटीआई के नौजवानों में विश्वास भरिए, आप बात कीजिए उनसे, मिलिए, आप देखिए क्या कहां बुलंदी पर हम पहुंच सकते हैं। हम श्रमिक का सम्मान करने सीखे। कभी कभार मुझे विचार आता है कोई बढ़िया सा शर्ट खरीदा हो, पहन करके दफ्तर गए हो या समारोह में गए हो, तो 5-10 दोस्त, वाह क्या बढ़िया शर्ट है, क्या बढ़िया शर्ट है, कॉलेज में गए हैं बहुत बढ़िया टी शर्ट पहन के गए तो वाह, सब लोग देखते वाह क्या है, फिर तो सेल्फी भी निकाल देता है, सर्कुलेट भी कर देता है। लेकिन क्या कभी सोचा है क्या मेरे जेब में पैसे थे इसलिए शर्ट आया, क्या मेरे पिताजी ने 2-4 हजार रुपया मेरे पॉकेट खर्च के लिए दिया था उसके लिए शर्ट आया? नहीं, मेरे पैसों के कारण मेरा शर्ट नहीं आया है, मेरा शर्ट इसलिए आया है कि किसी गरीब किसान ने मई जून की भयंकर गर्मी में खेत जोता होगा, कपास बोया होगा, बारिश में भी रात भर काम किया होगा, तब जाकर के कपास हुआ होगा, किसी गरीब मजदूर ने उसमें से धागा बनाया होगा, किसी बुनकर के उसको कपड़े में परिवर्तित किया होगा, किसी रंगाटी ने अपनी जिंदगी के रंग की परवाह किए बिना, शरीर के रंग की परवाह किए बिना, हाथ कितने ही रंगों से रंग क्यों न जाए उस कपड़े को अच्छे से रंगा होगा, कोई दर्जी होगा जिसने उसको सिलाई की होगी, कोई गरीब विधवा होगी जिसको अपनी बेटी की शादी करवानी है इसलिए रात रात बुढ़ापे में भी उन कपड़ों पर घाज बटन किया होगा, कोई धोबी होगा जिसने बढ़िया सा प्रेस किया होगा, कोई पैकेजिंग करने वाला बच्चा मजदूर होगा उसने बेचारे ने जाकर के पैकिंग का काम किया होगा, तब जाकर के एक शर्ट बाजार में आकर के मेरे शरीर पर आया होगा, मेरे पैसों के कारण नहीं आया। शर्ट मेरे पैसों से नहीं निकलता है, अच्छी साड़ी हो, शर्ट हो, कपड़े हो, किसी न किसी गरीब के परिश्रम का परिणाम होता है, और इसलिए समाज के इन श्रमिक वर्ग के प्रति उस संवेदना के साथ, उस गौरव के साथ अगर देखना हमारा स्वभाव बनता है तो मुझे विश्वास है कि सच्चे अर्थ में ये श्रमयोगी राष्ट्रीय योगी बनेगा, ये श्रमयोगी राष्ट्र निर्माता बनेगा, और उसी दिशा में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज एक बहुत अहम कदम कोई और हम आगे बढ़ रहे हैं जो मेक इन इंडिया के सपनों को पूरा करेगा, विश्व को भारत में लाने के लिए निमंत्रण देने का लिए मेरा श्रमिक खुद भी एक शक्ति बन जाएगा, इसी विश्वास के साथ फिर एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इस वक्त वो बोल रहे थे विज्ञान भवन से जहां उन्होंने पंडित दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का अनावरण किया, उसको लोगों को समर्पित किया और इसके फायदों के बारे में वो जानकारी दे रहे थे। इस नई योजना के तहत अनेक योजनाएं लॉन्च की गई हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, उसमें एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की शुरूआत की गई है, यानी कि सर्वव्यापी खाता संख्या
जिसके तहत एक ही पीएफ अकाउंट नंबर दिया जाएगा तमाम कर्मचारियों को जो संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं भारत में। ये ट्रांसफरेबल होगा और इसके लिए उन्हें कोई आवेदन नहीं करना होगा, वो खुद इसके मालिक होंगे, ये एक बदलाव किया गया है। साथ ही अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है इस कार्यक्रम में। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।